हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं बाला। वेलकम बैक टू माय चैनल बाला फैशन। मैं साउथ इंडिया से हूं, तमिलनाडु से, आप लोग जानते ही होंगे। तो हमारा स्टेपल फूड जो होता है वो राइस होता है। तो राइस की बहुत वैरायटीज हम बनाते हैं। तो आज मेरी बेटी की ख्वाहिश थी कि हम कोकोनट राइस बनाऊँ मैं, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर लूँ। ये बहुत ही फ्लेवरफुल और टेस्टी होता है, तो इसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। चलिए देखते हैं। कोकोनट लिया है मैंने, नारियल जो पानी वाला होता है, इसका हाफ कोकोनट मैंने लिया है, हाफ तोड़ के लिया है और उसको अच्छे से मिक्सी में ग्रेट कर लिया है। तो ये मैंने एक कप राइस के लिए इतना कोकोनट लिया है। मैंने ये वाला ग्लास से, ये ग्लास से एक कप चावल लिया है, तो उसके लिए हाफ कोकोनट मैंने यूज किया है। जो एक कप राइस लिया था उसको मैंने प्लेट में डाल लिया है कुकर से निकाल के, और इसको अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देंगे। बाकी प्रिपरेशन करने तक ये ठंडा हो जाएगा, तो इसको फैन के नीचे रख देते हैं। इससे राइस अच्छा खिला खिला आएगा, इसीलिए इसको ठंडा कर देते हैं थोड़ा। तब तक हम बाकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। एक कढ़ाई ले लेते हैं और गैस जला लेते हैं। इसमें हम दो चम्मच घी डालेंगे, और इसको गरम होने देंगे। घी गरम हो गया है, हम काजू ले लेंगे, काजू को रोस्ट कर लेंगे इस घी पे। हम यहाँ पे मूंगफली भी ले सकते हैं, मूंगफली भी अच्छा लगता है कोकोनट राइस के लिए, लेकिन मैं आज काजू ले रही हूँ। इसको घी को घी में अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए लाइट ब्राउन हो चुका है, रोस्ट हो चुका है, इतना ही करना है हमने। अब गैस बंद कर देंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो काजू हमने प्लेट में निकाल लिया है, इसको अलग रख देंगे। और जो घी था वो मैंने निकाल लिया है, ये हम रोटी पराठे में डाल सकते हैं। अब गैस जला लेंगे फिर से और इसमें रिफाइंड ऑयल डाल लेंगे, करीब दो चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल लेंगे। और इसको गरम होने देंगे। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें सरसों डाल देंगे, करीब एक चम्मच सरसों डाल देंगे। ये फूटने लग गया है सरसों, तो इसमें चने की दाल, जो चने की दाल होती है वो करीब एक चम्मच डाल देंगे। चने की दाल को थोड़ा सा वो कर लेंगे, गैस मीडियम फ्लेम में रख के करेंगे, नहीं तो दाल वगैरह जल जाएगा। इसमें तीन लाल मिर्च साबुत डाल देंगे, ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली है। अगर आप ज्यादा पसंद करते हैं तो ज्यादा डाल सकते हैं। थोड़ा करी पत्ता डाल देंगे, और हींग का पाउडर थोड़ा सा डाल देंगे इसमें। सबको एक साथ वो कर लेंगे। हींग की अच्छी खुशबू आ रही है देखिए, और करी पत्ता भी हमारा रोस्ट हो गया है। तो अब ये जो कोकोनट हमने रखा है वो इसमें डाल देंगे और इसे ब्राउन होने तक पका लेंगे। इसमें नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे, ये चावल के लिए भी नमक डालना है हमने इसमें, क्योंकि चावल भी मिक्स करेंगे। तो सिर्फ नारियल के लिए नहीं, चावल के लिए भी आप नमक साथ में डाल दीजिए। मैंने 1.5 टीस्पून डाला है नमक।
बहुत इजी है, बहुत जल्दी बन जाता है। आप इसको बच्चों के टिफिन बॉक्स में रख के दे सकते हैं। तो देखिए हल्का हल्का कोकोनट का कलर चेंज हो रहा है, व्हाइट था अब ब्राउन होने में लगा है। तो ज्यादा ब्राउन नहीं करना है हमने, एकदम गोल्डन ब्राउन ऐसे नहीं करना है। कोकोनट के इस जो हमने प्रिपेयर करके रखा हुआ है इसके साथ अच्छे से चावल को मिक्स कर देंगे। अच्छे से लम्स वगैरह ना हो ऐसे देख लीजिएगा, अगर इसीलिए पहले से ही चावल को निकाल के हमने ठंडा किया था और चावल को तोड़ लिया था पहले से ही। तो अगर लम्स वगैरह बन रहे हैं तो उसको आप तोड़ सकते हैं ऐसे। बहुत ही टेस्टी यमी बनता है ये, खाने में बड़ा मजेदार लगता है, पूरा कोकोनट का फ्लेवर इसमें होता है। तो हमारा कोकोनट राइस रेडी हो गया है। अभी जो हमने काजू फ्राई करके रखा था वो इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास मूंगफली है तो आप मूंगफली डाल सकते हैं काजू के बदले। तो हमारा कोकोनट राइस रेडी हो गया है। चार बंदों के लिए काफी रहेगा ये, इतना हो जाता है। आप नमक चेक कर सकते हैं, नमक ठीक है या नहीं। नमक बिल्कुल ठीक है। नमक इस टाइम में अगर आपको नमक कम लगे तो नमक डाल सकते हैं। मैंने वैसे 1.5 टीस्पून पहले ही डाल दिया था तो नमक बिल्कुल ठीक है। तो कोकोनट राइस रेडी हो गया है, इसको सर्व कर लेते हैं। मैंने ये वाला ट्रे लिया है, इसमें सर्व करेंगे हम लोग गर्मा गर्म। देखिए कितना धुआं अच्छे से निकल रहा है, गर्मा गर्म खाने में बहुत मजा आता है। इसमें काजू की वजह से अच्छा क्रंचीनेस आता है क्योंकि हमने उसको रोस्ट करके डाला हुआ है। जैसे मैंने कहा आप इसमें मूंगफली भी यूज कर सकते हैं। करी लीव्स को रोस्ट करके रखा हुआ है वो डाल देंगे गार्निशिंग के लिए। और थोड़ी सी ऊपर से काजू डाल देंगे। तो हमारी यमी सी कोकोनट राइस रेडी हो गई है। बहुत ही ज्यादा फ्लेवरफुल होती है कोकोनट, इसमें हमने डाला है तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और बहुत यम्मी होता है इसको खाने में। तो आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा ज़रूर। आज हमने एक यम्मी सी कोकोनट राइस बनाई है, ये साउथ इंडियन डिश है। तो आप लोगों ने साउथ इंडियन डिश सीखा है आज, तो ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, बना के देख के कमेंट कीजिएगा तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और
अगर नए हैं मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में दिए गए बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में आप लोगों के साथ मिलती हूँ मैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।